नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं केवी सेक्टर 12 की बुलबुल हूँ। आज मैं आपको तारा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तारा एक छोटी लड़की का नाम होता है। वह स्वास्थ्य में बहुत अच्छी होती है तथा वह सुंदर भी होती है। और कुछ दिन बाद उसका भाई बीमार हो जाता है और उसकी माँ उसकी देखरेख में लग जाती है और इस वजह से घर का झाड़ू पोछा नहीं लग पाता। इसलिए कुछ दिनों से उनका घर बहुत गंदा हो गया था। तो एक दिन तारा स्कूल से बगीचे में आ गई। तारा स्कूल से बगीचे में इसलिए आई क्योंकि वह कामचोर थी। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और जब वह उदास बैठकर सोच रही थी बगीचे में कि ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, ना मेरे पास अच्छे गहने हैं, ना मेरे पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, तो तभी वहां एक उड़ते हुए बुलबुल आकर बोलती है तारा से, तारा तुम उदास होकर क्यों बैठी हो? तब तारा कहती है, बुलबुल ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ना मेरे पास अच्छे गहने हैं, ना मेरे पास अच्छा सोने के लिए बिस्तर है। तब बुलबुल कहती है, तारा चलो मैं अपना आकार बड़ा कर लेती हूँ और हम कुछ लोगों का स्वास्थ्य देख कर आते हैं। तब तारा कहती है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी तुम्हारे साथ? तभी तारा बुलबुल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और कहती है तारा से, तारा तुम मेरी पीठ पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उड़ा ले चलूंगी। तब तारा बोलती है, ठीक है। तब वो उसकी पीठ पर बैठ जाती है और तभी बुलबुल कहती है, तारा मेरी सीधी और एक जेब होगी, उसके अंदर एक मलम होगी, उसको निकालकर मेरे माथे पर और अपने माथे पर रगड़ लो। तारा कहती है, क्यों? बुलबुल कहती है, इससे हम गायब हो जाएंगे और किसी को दिखेंगे नहीं। तो तारा कहती है, ठीक है मैं लगा देती हूँ। तारा उसके माथे पर और अपने माथे पर भी मल लेती है और जब वह उड़ने लगती है बुलबुल, तब वह एक बड़े से घर की राजकुमारी के खिड़की में बैठ जाती है। तब तारा भी उसके पीछे बैठी होती है। तो वह राजकुमारी बहुत उदास होकर बैठी होती है। तभी वहां एक दासी आती है और बोलती है, राजकुमारी जी आपके लिए रानी जी ने बहुत अच्छी रेशमी साड़ी भेजी है। तो राजकुमारी कहती है, साड़ी हाँ अच्छी तो है पर मुझे पसंद नहीं आई। तब वह दासी वहां से चली जाती है। तब दूसरी दासी आती है और बोलती है, राजकुमारी जी आपके लिए राजा जी ने बहुत अच्छे गहने भेजे हैं। तब वह बोलती है, हाँ गहने अच्छे तो हैं पर मुझे इनकी बनावट पसंद नहीं आई। तब वह दासी भी चली जाती है। तब वह उदास होकर बैठ जाती है और सोचती है, काश मेरे पास एक छोटा सा घर होता और मैं उस घर में रहती और मेरे को उधर का झाड़ू पोछा करने को मिलता, मुझे वहां का पूरा काम करने को मिलता, मुझे ये हीरे गहने और ये कपड़े पहनने को नहीं मिलते, काश मैं छोटे घर की लड़की होती। तब वह बुलबुल वहां से उड़ जाती है और वह दूसरे राजकुमारी के खिड़की पर जाकर बैठ जाती है। तब वो राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश होकर बैठी होती है। तब वह कहती है कि उसकी माँ आती है तभी और माँ कहती है, बेटी तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? तब वह कहती है, माँ मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, मैंने आज जब मैं सैर पर निकली तब मैंने गरीब लोगों की मदद करी, वह जहां मैं सैर पर गई थी वह वहां बैठे हुए थे और फिर मैंने उनको फल और सब्जियां दी और मैंने उनको कुछ पैसे भी दे दिए और फिर मैं आगे गई तो मैं एक अस्पताल में गई, तब मैंने वहां पर जो मरीज थे उन सबकी सेवा करी और उनको खाने के लिए
खाना दिया और मैंने उनको थोड़े पैसे भी दे दिए। तो बेटी कहती है, माँ फिर मैं घर आकर खेलने लग गई। उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ गई। तो माँ बेटी कहती है, माँ और तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? तब माँ कहती है, बेटा मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा था। मैंने आज बहुत अच्छा काम करा, मेरे को बहुत मजा आया आज काम करने में। तो तभी तारा बोलती है, बुलबुल मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे भी अपने घर की साफ सफाई करनी है, मेरा घर बहुत गंदा है। तो बुलबुल कहती है, ठीक है तारा, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। तब तारा कहती है, ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो तारा आंखें बंद करती है और बुलबुल उड़ने लगती है। और बुलबुल बोलती है तारा से, तारा तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। तो तारा अपनी आंखें खोल लेती है। और उसके बाद जब तारा अपनी आंखें खोलती है, तब उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। माँ बोलती है, तारा तुम इतनी देर से कहाँ गई हुई थी? तो तारा कहती है, माँ मैं बुलबुल के साथ कुछ लोगों का स्वास्थ्य देखने गई थी। तो अब उनको देखकर मैंने सोचा मैं भी अपने घर का काम करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं अपने घर को साफ सुंदर बनाने जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है तारा। और तारा सोच में पड़ जाती है, बोलती है, सोचती है कि जो सुख होता है वो हमें गहनों से और रेशमी साड़ियों से नहीं मिलता, वो तो हम काम करते हैं तब हमें सुख मिलता है। धन्यवाद।